बहुत बढ़िया, ये गजब एक्टिंग करी है तुम दोनों ने। सीआईडी, हम पीके भी बैंक की वैन से जो कैश चोरी हुआ उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर असली सीआईडी वाला भी आता ना तो वो भी ना पहचान पाता तुम दोनों ने। ये लो थारी फीस। नहीं नहीं विनी जी, आपसे नहीं। अरे चिंगारी गैंग ने हमें सेवा का मौका दिया, यही बहुत है। पर यो पैसे तो थारे को रखने पड़ेंगे, क्योंकि यो पैसे मैं चिंगारी गैंग के काम के लिए ना दे रही हूँ। यो पैसे मैं अपने काम के लिए दे रही हूँ। आपका काम? हाँ अपना काम, वो अपनी सायरा अप्पा है ना, हमारी जानी दुश्मन, संकी खड़ूस बुढ़िया, पुरानी किले की झूलती मीनार, पूरा दिन मारे पीछे पड़ी रवे है। बस उसके ना फिरकी लेनी है मने, उसके पास जाओ और उसने बोलो कि थारे खिलाफ सबूत लिया है वेंचुरी के केस में और उसने गिरफ्तार करने आए हो। ये सब सुनते हुए ना मैं उसे देखना चाहती हूँ, बड़ा मजा आएगा। ये लो। अभी लो जी। अरे ओ बिन्नी, अभी तक यही है करमजली? कब से सब्जी लाने के लिए कहा था? अरे जाते क्यों नहीं? ये लोग कौन है? शायरा आपा, सीआईडी। चलिए हमारे साथ, आपके खिलाफ वारंट है। क्या? हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि बैंक वैन चोरी में आपका ही हाथ है। बता है ना, रंगरेज गली में पुलिस वालों का आना मना है। बाहर पुलिस की पूरी फौज खड़ी है आपा। मैं मौत से डर नहीं लगता? मौत से डरने की उम्र आपकी है बड़ी भी, हमारी नहीं। सुपारी तो कट नहीं रही आपसे, हाथ कांप रहे हैं आपके, और मौत का डर हमें दिखा रही हैं आप। आप चलिए हमारे साथ, नहीं तो हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए। हाथ छोड़। आप चलिए हमारे साथ। मैंने कहा हाथ छोड़। चलती हो या? क्या कहो? आप सुनिए 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 सुनिए, हम कोई सीआईडी ऑफिसर ऑफिसर नहीं है, हम तो एक्टर हैं। और आपकी फिरकी लेने के लिए ना इन्होंने ही बोला था हमको। हाँ इन्होंने बोला था पुराने किले की झूलती हुई मीनार और क्या लेडी ड्रैकुला मेरा खून पीती है, इन्होंने बोला था। खून पीने वाली बात मैंने बोली ना थी? यो यो अपने मन से बोल रही है, कसम से। नहीं 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 नहीं, कही थी कही थी तेरी तो। यो तैयो क्या कर रही है? अगर यो पिचकारी ना है, अगर चल गई ना तुम्हारे हाथ पर के पर खच्चे उड़ जाएंगे। नहीं मैं सोच रही थी ये रोज की किटकिट आज हमेशा के लिए खत्म ही कर दूं। क्या हो गया ताई? अरे कुछ नहीं, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी, सोचा थोड़ा सा रियाज कर लूं। इसके भाड़े के सीआईडी ने अपना काम ठीक से किया या नहीं? बहुत अच्छे से किया ताई, तीर सीधा निशाने पर लगा। देखा मैंने टीवी पर हसीना मलिक के शोहरत में बदनामी की चिंगारी लगते हुए। बस अब एक आखिरी बार, उसके बाद ये किस्सा खत्म। वो आखिरी बार जिसका वादा मैंने खुद हसीना मलिक से किया था। सर आप एकदम सही समय पर आए हैं, आज ही हम राजमा चावल लेकर आए हैं, अगर आप कहें तो आपके लिए प्लेट परोस दें। हम सब जानते हैं पुष्पा जी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चोरी का इल्जाम लगा है, पूरे डिपार्टमेंट के माथे पे कलंक लग गया है इस चोरी के इल्जाम से। सर माफ कीजिएगा हमको, लेकिन हम चोरी नहीं किए हैं सर। कोई सबूत है? कोई गवाह है? कोई एक प्रमाण है तुम्हारे पास, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, जिससे ये साबित हो कि तुम चोर नहीं हो? वो भी तब जब कैमरे के सामने बैठकर खुद ही ये साबित कर रहे हो कि तुम चोर हो। सर मगर वो तो आधा अधूरा वीडियो है ना, पूरा वीडियो तो दिखाया ही नहीं है, तोड़ मरोड़ के बनाया गया है ये वीडियो। उस वीडियो में आगे खुद चीता कह रहा है कि उसने पैसे वापस रख दिए थे। पुष्पा जी ये मुझे पता है, ये आपको पता है, ये पूरे डिपार्टमेंट को पता है, चिंगारी गैंग को पता है, लेकिन लोगों का क्या? लोगों को तो वही पता चलेगा ना जो वीडियो वायरल हो चुकी है। सर ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब क्या करें, अब इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकालें? सलूशन है, एक सलूशन है, आपको चिंगारी गैंग से माफी मांगनी होगी, तभी चिंगारी गैंग पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा और दुनिया को पता चलेगा, और तभी हम चीता चतुर्वेदी को निर्दोष साबित कर पाएंगे। Thank you.
शिवानी ताई, शिवानी जी क्या आप बताएंगी अचानक यहाँ थाने में आपका आना कैसे हुआ? FIR दर्ज करवाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, चिंगारी गैंग के समर्थक चाहते हैं कि हसीना मलिक, चिंगारी गैंग की मुखिया शिवानी जी से उनके एक बेगुनाह सदस्य को पकड़ने के लिए माफी मांगे, जबकि शिवानी ताई यहाँ खुद FIR कराने पहुंची है। नमस्कार DSP साहब, कशियाहर। अच्छा, हम निकले थे आपके ऑफिस में आपसे मिलने के लिए, लेकिन हमें पता लगा कि आप यहाँ पर हैं, तो हमने सोचा कि यहीं पर मिल ले आपको, दोनों काम साथ में हो जाएगा, आपसे भेंट भी हो जाएगी और FIR भी दर्ज किया जाएगा। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, ये थाना जनता के सेवा के लिए ही है, आपकी FIR लिखी जाएगी। पुष्पा जी, जी FIR लिखिए। जी सर, आइए। कहिए क्या शिकायत है आपकी? शिकायत है कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ। आरोप है कि अपने थाने से कांस्टेबल से चोरी करवाकर, उसके आरोप में चिंगारी संगठन की निर्दोष सदस्य को फंसाकर, SHO हसीना मलिक ने चिंगारी गैंग के खिलाफ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने का षड्यंत्र रचा है। चिंगारी गैंग की छवि को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। मांग है हमारी कि कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी के ऊपर इमीडिएट लीगल एक्शन लिया जाए और उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेशी होने तक लॉकअप में रखा जाए, और इस कॉन्स्पिरेसी का ओरिजिनल मास्टरमाइंड होने का लिंक प्रूव होने पर SHO हसीना मलिक को भी अरेस्ट करके लॉकअप में रखा जाए। सर, अरे क्या हुआ? सच के धर्म ग्रंथ में जब अपने किसी का नाम लिखना हो तो न्याय का पलड़ा हिल गया, हाथ कांपने लग गए? लिखो, SHO हसीना मलिक का नाम लिखो उस FIR में। सर, शिवानी जी आपके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी का कन्फेशन वीडियो ही तो प्रूफ है सर, पूरी दुनिया ने देखा है, उसमें उसने खुद माना है कि चोरी उसी ने की है, और ये जिस थाने में कार्यरत है वहां की इंचार्ज है ये SHO हसीना मलिक, जिसकी चिंगारी गैंग से दुश्मनी है, तो लिंक तो हुई ना सर। पर इससे ये सिद्ध तो नहीं होता ना कि मैडम सर सीधा सीधा इसमें लिप्त हैं? इसकी चिंता तू मत कर ऐसा है करिश्मा सिंह, कानून की इतनी जानकारी तो मैं भी रखती हूँ, ये तो बस एक FIR है, आरोप, इसकी सत्यता की रिपोर्ट बनाने का काम तुम सबका है, इसकी तफ्तीश कीजिए और सच का पता लगाइए। तुम सबका काम है रिपोर्ट बनाना और मेरा उसे चैलेंज करना, जो मैं करके ही रहूंगी। अदालत में इस आरोप को चुटकी बजाकर मैं प्रूफ करूंगी सच, जब वो होगा तब देखा जाएगा, अभी तो जो होना चाहिए उसे पहले पूरा करो। इस कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी को गिरफ्तार करो और लॉकअप में डालो। पुष्पा जी, FIR लिखे। सर, मैं कह रहा हूं ना लिखे। चीते, जैन सर, मैं पूछता हूँ ये सब हो क्या रहा है DSP? इलेक्शन सर पर है और आप इतना बड़ा बवाल खड़ा किए हुए हैं शहर में, पता है जनता कितनी आक्रोशित है हसीना मलिक से? चिंगारी संगठन के समर्थकों का वोट बैंक निकल जाएगा अपने हाथ से। हसीना मलिक को कहिए तुरंत माफी मांगे चिंगारी संगठन से और खत्म करे ये टंटा। जी हम कुछ करते हैं सर। जैन सर,
पहले कि मामला हाथ से निकल जाए माफी मांग लो। प्लीज समझने की कोशिश करो, आपकी एक माफी से बहुत सारे उलझने सुलझ जाएंगे। और जब आपको पता ही है इस मामले में चिंगारी गैंग का कोई हाथ नहीं है तो मुझे लगता है माफी मांगने कोई हर्ज नहीं है। शिवानी हमने तुम्हारी गैंग मेंबर को अरेस्ट करने की जो गलती की है हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमें बेहद अफसोस है कि हमारी वजह से एक निर्दोष इंसान को इतनी चोट पहुंची, इतनी तकलीफ हुई। आई एम सॉरी। मजा नहीं आया तेरी इस रूखी रूखी खाली खाली माफी में। बात नहीं है वो, जज्बात नहीं है, दिल से आनी चाहिए। जैसे मैंने कही थी, हाथ जोड़कर, नजरें झुकाकर, झुककर। I'm sorry. चिंगारी हूं मैं जज्बातों वाली बाई, प्यार से जलाओगी तो जीवन, उलझोगी तो चिता। दूर रहना इस चिंगारी से, अगली बार ये चिंगारी चेतावनी नहीं देगी, सीधा अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। और कोई आदेश सर? जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता आप इस केस से दूर ही रहेंगे। आज से ये केस मैं करिश्मा सिंह को सौंपता हूं। बैंक वैन के असली चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी अब करिश्मा सिंह की है। करिश्मा सिंह, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं इस केस की संवेदनशीलता को आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और चोर को जल्द से जल्द पकड़कर कानून के हवाले करेंगे और चीता चतुर्वेदी को निर्दोष साबित करेंगे। गुड लक। जय हिंद सर। जय हिंद। भाई यो सही है ना, हवलदार ने चोरी की ना सपना ने चोरी की, तो चोरी की किसने? अब भूतों को भी पैसों की जरूरत पड़नी लगी के? अरे तू क्यों खाली पीली अपने भेजे की ऑयलिंग कर रही है डंबल क्वीन? अरे आरोप हसीना मलिक पे लगा है, वो देख लेगी क्या करने का है उसको। पगार मिलता है भाई उनको, थोड़ा तो काम कर लेने दे उन पुलिस वालों को। लगाने दे पता उस हसीना मलिक को असली चोरों का। और वो पता लगा के छोड़ेगी अपने थाने के आदमी को बेगुनाह साबित करने के लिए? वो चोर को पाताल से भी खोद कर निकालेगी देखना। रे यो के बात हुई, हसीना मलिक ने सीधा पंगा लिया है चिंगारी गैंग से। अगर उसे ऐसे ही जाने देंगे ना तो लोग हमें हल्के में ले लेंगे। सांप चाहे डसे या ना डसे लेकिन अपना खौफ दिखाने के लिए वो अपना फन तो फैलाता ही है ना, तो हम उसे ऐसे ही ना जाने दे सकते। वाह, मक्खन दबाकर पेलने लग गई है बिन्नी। कितनी सयानी बातें करने लग गई ना आजकल। अरे सयानी वयानी कुछ नहीं, सब उधार का ज्ञान है ये। तुमसे ही सीख के तुम पे ही झाड़ती है।
लगता है इसकी शक्ल देख के इसमें अकल नाम की भी कोई चीज होगी। अरे प्रॉब्लम क्या है थारी बिन्नी? जीजी आज तो फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन होने दो ना। मैंने इसकी भेष चुराई है, ना मैंने इससे कोई उधार लिया है। जब देखो तब मारे पीछे पड़ी रहे यो। दिन में अगर यो 5-7 बार बेइज्जती ना कर लेना मेरी, इसका खाना हजम ना होता। दमीज से भूल मत के खाना मैं ही बनाती हूँ और जहर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो सिवाड़ी जीजी से कह रही थी, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उस हसीना मलिक को? ये तुझसे किसने कहा? जरूर सबक सिखाएंगे हम हसीना मलिक को, और वो जरूरी भी है, लेकिन अपने स्टाइल से, ताकि अगली बार चिंगारी गैंग से पंगा लेने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। मेरी आई हमेशा कहती थी, एक कलंक का बोझ 100 बोझों से ज्यादा होता है, और अब ये कलंक हसीना मलिक पर लगा है। इसे इतने आसानी से थोड़ी ना मिटने देंगे हम। लगाने दो उसे असली चोरों का पता, हम उसकी इस कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिंदगी भर हसीना मलिक को इसी कलंक के साथ जीना होगा। लगाने दो उसे असली चोरों का पता, हम उसकी इस कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिंदगी भर हसीना मलिक को इसी कलंक के साथ जीना होगा। तो मानोगी नहीं किसी बड़े छोटे की बात, करोगी बस अपनी मनमानी। अगर ताई तू कशला चिंता करते, भरोसा रख मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो बस हमें ये सोचना है कि हम हसीना मलिक से पहले उन असली चोरों तक कैसे पहुंच सके। इका कर दिए तुम बुद्धिहीन इंसान, इका कर दिए तुम। वहां पूरा कुल तुमसे लज्जित हो रहा है और यहां पर पूरा थाना तुमसे लज्जित हो रहा है। माफी मांगनी पड़ी हसीना मैम को शिवानी ताई से। अरे यार डूब मरो तुम। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, मैडम मैडम मैडम, जो भी पैसा चोरी किया है ना, जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ कर यहाँ पर भीतर डाल दीजिए मैडम, हमको बचा लीजिए। और ये बात ना हम अपना लिए नहीं कह रहे हैं, अपना माई के लिए कह रहे हैं। पहले से उसकी तबीयत खराब है मैडम, उसको पता चलेगा ना इस सब कांड के चक्कर में हम जेल के भीतर आ गए मैडम, सर हमसे मर जाएगी। जीते जीते कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, कुछ भी नहीं होगा, और तुम कहीं नहीं जाओगे। हम भी कब से इस उधेड़ बुन में है कि उस चोर तक कैसे पहुंचे। देखो एक बात तो स्पष्ट है कि चोर कोई भी हो, वॉल्ट का चाबी उसी के पास है, और वो चाबी या तो सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है या फिर ड्राइवर के पास होती है। तो इन दो, एक सेकेंड, वो सिक्योरिटी गार्ड जिसका तबीयत खराब हुआ था, जिसकी जगह पे तुम गए थे, उसका क्या नाम था? बबलू यादव, यही नाम था उस गार्ड का जो उस दिन वैन की ड्यूटी पर था, और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी जगह चीते को भेजा गया था। हाँ तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चोरी की वारदात उनका सोचा समझा प्लान हो। वैन कब कहाँ कितने देर के लिए रुकती है उसे सब कुछ पता था। प्लान के अकॉर्डिंग पहले से ही वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबी बना ली, बीमारी का झूठ बोलकर गांव जाने का बहाना दिया, वैन का पीछा किया और फिर सही वक्त और मौका देखकर चोरी को अंजाम दिया। बिना किसी की नजर में आए, बिना शक के दायरे में आए। बात में दम तो है बिन्नी, अगर ये बबलू यादव वही सिक्योरिटी गार्ड है तो वो गांव नहीं गया होगा। पता लगाओ कि वो कहाँ पाया जाएगा, उसे पकड़ो, उसे तोड़ो, कुछ भी करो लेकिन सच उगलवाओ। ठीक है जीजी, चलो। जी बबलू यादव आपका पुराना सिक्योरिटी गार्ड, उसका नंबर और उसका एड्रेस हमको मिल सकता है क्या? उससे थोड़ा जरूरी बात करना था हमको। आप एक काम कीजिए, मैसेज कर दीजिए हमको। धन्यवाद, जल्दी कीजिएगा थोड़ा। सात आठ। हेलो कौन? बबलू यादव बोल रहे हैं। जी हम ऐसा है, करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। जी बोलिए मैडम। कहाँ हैं आप? मैं गाँव आया हूँ जी। वो क्या है, छुट्टी ली है ना, थोड़ी तबीयत खराब है। पता चला हमको आपके बीमारी के बारे में,
कैसे हैं आप? अब ऐसे ही है जी। अच्छा, आपसे थोड़ा जरूरी हमको बात करना था, तो कब वापस लौट रहे हैं आप? पता नहीं जी। फेफड़ों का एक्सरे करवाया है, अब डॉक्टर को दिखाया है, अब देखते क्या बोलते हैं, पता नहीं कब तक आना होगा। अब चीता को इंसाफ हम अपना तरीका से दिलाएंगे, हमें मैडम सर तो क्या ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। झूठा आदमी चूरन बना रहा है हमको, कितना झूठ बोल रहा है कि हम गांव में हैं और यहीं विचर रहा है लखनऊ में, और जिस दिन पैसा चोरी नहीं हुआ है तब भी वैन के आसपास कई लोकेशन बता रहा है इसका। करिश्मा सिंह, देखिए इस केस के बारे में हमने कुछ सोचा है, हमें लगता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ दो नहीं तीन लोग इन्वॉल्व हैं, चीता, सपना और वो तीसरा बंदा जिसको हमने कम्प्लीटली नजरअंदाज कर दिया है। सोचिए कौन? उस वैन का पुराना सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत ही कन्वीनियंटली चोरी के दिन बीमार पड़ गया और इस बहाने गांव चला गया। हमें नहीं लगता कि वो कहीं गांव आ गया है, वही है इस सबका असली कर्ता धरता। जानते थे मैडम सर देर सवेर, लेकिन आपको ये बात सूझेगा जरूर, पर इस बार थोड़ा सा विलंब हो गया आपको सूचने में। हमको पहले से ही पता चल चुका है कि ये जो चोर है वो और कोई नहीं सिक्योरिटी गार्ड है, और हम उसको अभी पकड़ नहीं जा रहे। गुड, वेरी गुड, चलिए हम भी आपके साथ। नहीं नहीं मैडम सर, माफ कीजिए, लेकिन आप भूल गई हैं, डीएसपी सर के ऑर्डर है कि आपको इस केस से दूर रखना है, सरकारी आदेश है मैडम सर, मानना तो पड़ेगा ही, हम चाह के भी आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। जय जय। भाई पता है ना क्या करना है, बबलू यादव को उठा के ले जाना है चिंगारी संगठन पूरे पैसों के साथ। चलो। हाँ चलो। खींचा 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 खींचा। यो राजी जी, इस कहानी का असली विलन बबलू यादव। खोल इसे। खोलो। कौन है ये बिन्नी? कोड़े मतलब क्या, यही तो है बबलू यादव। ये बबलू यादव नहीं है, मैंने बैंक से इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाली थी, वो भी फोटो के साथ। नहीं है ये बबलू यादव। अरे बबलू यादव नहीं है तो कौन है ये? कौन है तू? मैं टिंकू यादव हूँ जी, बबलू यादव का दोस्त, उससे मिलने आया था यहाँ पर। अबे तेरे। कहाँ है बबलू यादव? उसे तो कोई और उठा के ले गया जी। अरे मेरी बात तो सुनिए, बहुत गलत टाइम पर आए हो टिंकू भैया, अब हम बस निकल ही रहे थे गाँव के लिए, क्या है देर हो जाएगी तो बस छूट जाएगी हमारी। अरे भैया हम काम से ही तो आए थे, बाद में मिलेंगे। जान से जाओगे उससे अच्छा तो बस ही छूट जाए, तो ज्यादा सस्ते में नहीं छूटोगे? नहीं ऐसा हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम चिंगारी गैंग का बात कर रहे हैं जो बाहर आया आपको ले जाने के लिए। आप देख सकते हैं, जाओ देखो देखो, तसल्ली कर लो। तो देखो ऐसा है कि हमारे साथ जाओगे तो थाना जाओगे, लेकिन अगर चिंगारी गैंग के साथ जाओगे ना तो सीधा शमशान जाओगे, तो सोच लो कि कहाँ जाना है। उसके बाद सीधा यहाँ पे आग खोली मैंने। खोल से जल्दी खोल। करिश्मा सिंह, वो वहीं पर थी, बाजी मार गई,
हमसे पहले वहां पहुंचकर ले गई वो बबलू यादव को वहां से। बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरे बारे में ही बात करी थी। चिंगारी गैंग के जबड़े में से उसका शिकार छीन कर लेके जाने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। वो तो पैदा होते ही हमारे डॉक्टर ने हमसे कहा था कि हमारा दिल और हमारा गुर्दा नॉर्मल साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए तो हम अंजाम का परवाह नहीं करते, जो मन में आता है वो कर डालते हैं। विचारों का ज्यादा आदान प्रदान नहीं हुआ हमारे बीच में, इसलिए तुमको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम तुम्हारे और महिला थाना के बीच में खड़े हैं, SI करिश्मा सिंह। और जब तक हम खड़े हैं ना, तब तक कोई चिंगारी, कोई पटाखा, कोई सूतली बम, कोई फुलझड़ी हमारे थाने का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी तुम? दोबारा अगर हमारे थाने की तरफ देखा ना तो मैया कसम बता रही हूँ, तुम्हारी चिंगारी से तुम्हारा पूरा साम्राज्य जला देंगे। दूर रहना हमारे थाने से। बातें बहुत अच्छी कर लेती हो, पसंद आई हमें, इसीलिए माफ कर रहे। जानते हैं हम कि तुम भी भौंका लो अपने महिला पुलिस थाने की, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है SI करिश्मा सिंह। ये चिंगारी तो जली भी नहीं है अब तक, सोचो इसकी लपटें कितनी तेज होंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जी, पीके भी बैंक की वैन से जो पैसे चोरी हुए थे उसके असली मुजरिम को हमने पकड़ लिया है, और वो और कोई नहीं, उसी का पुराना सिक्योरिटी गार्ड है बबलू यादव, जिसने की बहुत सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया है। वो हमारी हिरासत में है, उसने कन्फेशन दे दिया है, और बहुत जल्द वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपके वो थाने के कांस्टेबल जीता चतुर्वेदी का स्टेटमेंट जिसमें वो खुद चोरी करने की बात मान रहे हैं, उसका क्या? देखिए, ये पुलिस का असली मुजरिम तक पहुँचने का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था। हम ही ने अपने कांस्टेबल से कहा था कि वो झूठा बयान दे, ताकि उस झूठे बयान से असली मुजरिम लापरवाह हो जाए और उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उसे पकड़ लें, जो हमने किया। हे शिव जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने एक बार फिर थाने की इज्जत बचाई। मैडम सर के जरिए चीते को क्लीन चिट दिलवा ही दी आपने। सच में आपकी लीला अपरंपार है, कैसे पलक झपक दी, पूरी बाजी पलट दी आपने। चीता, हम तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, पर हम पुलिस वाले हैं, हम चंद मगरूर लोगों की वजह से उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्हें सच में हमारी जरूरत है। वर्दी पहनते वक्त जो कसम हमने खाई थी, हम उसे नहीं भूल सकते। ये वर्दी, इसकी मर्यादा, इसकी जिम्मेदारी, इसका गौरव, इसकी मायार, ये सब हमें याद रखना ही होगा। और ये सब अब हमें चिंगारी गैंग को याद दिलाना होगा कि कानून से ऊपर और कानून से बढ़कर कुछ नहीं। हम जानते हैं चिंगारी गैंग को ये बात समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें हमारी ताकत की जरूरत है, हमें हमारी पूरी टीम की जरूरत है। हम ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए इस चुनौती के लिए रुक जाओ। हम आपके साथ हैं मैडम सर, मरते दम तक आपके साथ। आपको, पूरा थाना को, वर्दी को, अपना नौकरी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप हारेंगे नहीं मैडम सर, क्योंकि हम लोग प्राण दे देंगे लेकिन आपको हारने नहीं देंगे मैडम सर। और आप ही तो कहती है ना मैडम सर कि पूरा थाना हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारा परिवार, कोई अपना परिवार छोड़कर जाता है क्या? नकारात्मक नहीं हो रहे हैं, बस याद दिला रहे हैं कि चिंगारी गैंग को खत्म करना इतना आसान नहीं है। काफी अंदर तक देखा है हमने चिंगारी गैंग को, और लोग सही कहते हैं कि चिंगारी गैंग लोग नहीं, सोच, और उस सोच को खत्म करना उतना आसान नहीं है। चले चले बाहर निकलिए, आप इंसाफ के मंदिर में आए हैं, यहाँ पे प्रसाद मिला जाएगा, लाइन में लग जाइए। जिंदगी में सीधा काम नहीं किया ना, इसलिए यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ पे भी सीधा काम नहीं करोगे तो टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, का समझे? चलो बदनाम भाई, ये सब कौन है? शक्ल से तो राजा महाराजा नहीं लग रहा। शक्ल से चोर चक्के लग रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन इतने सारे। देखो, हमें मालूम है कि तुम्हारे अस्थि पंजा ढीले किसने किए हैं, चिंगारी गैंग ने।
लेकिन सांप काटे का इलाज मधुमक्खी का छत्ता नहीं कर सकता है। जो तुम लोगों ने किया है उसका इंसाफ सिर्फ और सिर्फ कानून तुमको दे सकता है, वो चिंगारी गैंग नहीं। क्या समझे? सोचा नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि हमें चोर उचक्क को कहना पड़ेगा कि आओ FIR लिखवाओ, पर आ गया है, यही जिंदगी, अब क्या करें। आइए आगे आइए और FIR लिखवाइए। मैडम पहले से हालत बहुत पस्त है, अब कहा एक और कुआं में डक्का दे रही हैं आप। हमको मालूम है तुम्हारा हाल पस्त है, लेकिन हमारा आइडिया मस्त है। चुपचाप यहाँ पे FIR लिखवाइए और घर जाके सुकून का बांसुरी बजाइए, क्या समझे? यहाँ पे हो तुम, यहाँ पुलिस है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बाहर अगर यहाँ FIR लिखवाओगे तो। सुना है मैडम, एक छुटके 32 पिट गया आपका हवलदार। मैडम हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, यहाँ कोई FIR नहीं लिखवाएगा। हम आप प्यार से बात कर रहे हैं तो कंधा पे चढ़ जाओगे क्या तुम? तुम्हारी तो करिश्मा मैडम। मैडम सर देख रही है आप कैसे शांति से तफ्तीश कर रहे हैं, शांति से। यही तो बात है ना कि सिर्फ देखती हैं कुछ करती नहीं है। हाँ कुछ कहा आपने? नहीं हम ये कह रहे हैं पुष्पा जी कि इनकी आरती उतारिए और इनसे FIR लिखवाइए। पहले हमारा मूड था कि हम एक FIR लेंगे, अब हमारा मूड बदल गया, हमें सबका FIR चाहिए। लिखिए। हम पुष्पा जी ऐसा है कि घर की इज्जत पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है। हाँ और हमारा भोकाल तो आपको पता ही है, मैडम सर ने खूटी से टांग दिया है। तो बची आप, FIR लिखिए। और आप तो करिश्मा सिंह की सास भी है। देखिए हम एक संवेदनशील और समझदार इंसान भी है, और हमारी समझदारी ये कह रही है कि अभी अगर हम इन सबकी आरती उतारेंगे ना तो हम पर भी FIR हो सकती है। मैडम मैडम हमें जाने दीजिए, मैडम हमें जाने दीजिए। मैडम चलिए चलिए जाइए, भागिए। कैसे भागेंगे? अरे भागो। ये सब क्या है करिश्मा सिंह? मैडम सर हमने तो पूरा कोशिश किया है, लेकिन लगता है सबको पता चल गया है कि तलवार से उसका धार अलग कर दिया गया है। FIR नहीं मिल पाया। आप जानती हैं आपकी परेशानी क्या है करिश्मा सिंह, कि आप या तो बीते हुए कल के भरोसे जीते हैं या फिर आने वाले कल की तरफ इतनी तेजी से दौड़ लगाती हैं कि आज के बारे में भूल ही जाती हैं। आज को अच्छे से टटोल कर देखिए, हर मुश्किल का हल मिलेगा ही मिलेगा। है तो ये गुनहगार, एक ना एक दिन तो गलती करेगा ही, तब पकड़ेंगे। ओके मैडम सर। चल झूठ बोलते हो हा? चल। कौन है ये दोनों? कह रहे थे कि साफ सफाई कराना है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये साफ सफाई करना है। मेरी बात को गांठ बांध लो, इनको ना हसीना मलिक ने भेजा है हमारी खबर लाने के लिए। शकल दिखा दोनों की। अरे मैडम सच बोल रहा हूँ, क्लीनिंग के लिए बुलाया गया था हमें। तू क्या, तुझे क्लीनिंग करने आए? अरे अपने हाथों को कभी फुर्सत भी दिया करो। शिवानी अपनी लड़कियां थक गई थी तो मैंने इन दोनों को बुलाया था दिवाली की सफाई के लिए। चलो काम करो अपना, चलो। अरे बाप रे बाप। अरे माता जी लगता है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं। वो तो बेचारी आंटी खास रही थी, छोटी सी कुटिया बोल रही थी। बेटा अब इस उम्र में हाथ पैर नहीं चलते ना, और हमारे पास पैसा भी नहीं है। तू इस गरीब की कुटिया पे हाथ रख देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। याद आया? चलो जल्दी करो काम, चलो। क्या है? चलो काम करो, काम करो। जाओ नीचे रख।
रुको रुको, बड़ी मेहरबानी, बुढ़िया का काम कर दी तुम लोगों ने। अब ये मेरी तरफ से रखो रखो। अरे अरे नहीं दादी जी, रखो। ठीक है, बस हो गया, हमने तो सेवा ही तो की आपकी। अरे काय करता तुम्ही, मेहनत की है ना तो पूरा पैसा लेने का। नहीं नहीं हो गया। अब नहीं बोल रहे ना ये लोग। ताई कंजूसी नहीं, पूरा पैसा दो। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। चल भाई। तेरे को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जी, बस घर की याद आ गई थी थोड़ी। दिवाली पे मम्मी के साथ घर की सफाई करा करती थी और फिर मम्मी मुझे शॉपिंग के लिए ले जाती थी। अरे तू भी ना, मम्मी ने ये तो क्या हुआ, ये है ना तेरी कंजूस ताई। और मैं हूं ना तेरी दिल वाली जिज्जी। प्रदूषण फैलता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचो, पटाखे मत फोड़ो। ए, पटाखा आओ आओ, ये रख। अरे यही फोटो की क्या? सॉरी सॉरी सर, नहीं सुनो बिल्ले, बदनाम भाई कहीं दिवाली के दिन हमारी बकरीद न बना दे चिंगारी गैंग, हम ही मिले तो क्या शहीद होने के लिए। अरे माँ कसम, मेरे को इतने जोर से सुसुआ ही ना, कैसे करे समझ में ना रहा ये अतरंगी कपड़ों में। ए, अरे ये पटाखों को ना पानी से दूर रखना, नहीं तो पटाखे फुस हो जाएंगे। हेलो बिल्ले। हेलो हेलो करिश्मा मैडम, आई एम बिल्लू द स्पाय। कोई खबर नहीं है या चिंगारी गैंग की कोई हरकत नहीं है, जैसे ही हरकत होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रन आउट बिल्लू द स्पाय। करिश्मा मैडम, चिंगारी गैंग यहाँ मार्केट में आ गई है। बहुत बढ़िया, पीछा करो उनका, जैसे ही कानून तोड़े हमको बुलाओ, हम दिवाली के शुभ अवसर पे उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, समझे? ओके बिल्लू द स्पाय, गो रन आउट। शिवानी दाई, शिवानी दाई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अच्छा बोलो जल्दी जल्दी क्या चाहिए तुम लोगों को, आज ताई का मूड बहुत अच्छा है। ताई हमें पटाखे ले लाओ ना। पटाखे? बदनाम भाई, चलो भाग लेते हैं। अरे लेकिन बिल्ला, अरे वो जिंदा रहेगा तो मिलेगा ही, चलो। अरे हम यहाँ से चले जाएंगे तो करिश्मा मैडम छोड़ेंगे नहीं हमको। हाँ यार दोनों और मौत है। बच्चों पढ़ो क्या लिखा है। पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण फैलाते हैं, सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि पटाखे बनाने के लिए बाल मजदूरों की मदद ली जाती है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है और कितना प्रदूषण भी तो फैलता है, बूढ़ों को जानवरों को एंजाइटी भी हो सकती है। पर ताई, पटाखे तो आप भी फोड़ते हो। अंतर आए बाड़ा, सदियों से ये समाज और लोग गहरी नींद सो रहे हैं, इनकी आवाज जब तक ये कानों में नहीं जाएगी ना तब तक चेंज नहीं आएगा, वरना औरतों की रिस्पेक्ट कौन करेगा। अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू। चलो बच्चों मिठाई और कुछ कपड़े खरीदते। थैंक यू थैंक यू। यो दिखा, यो
ये क्या अंगोछे जैसा उठाया है, कुछ ढंग का ले ले। मारी को पहनना है, मेरे को यही चाहिए। ये बाप रे, बंदूक किसी के तो पता के फूटेंगे। बाप रे, किसके फूटेंगे पता करना पड़ेगा। बिल्ला कहाँ जा रहा है? कहाँ गए? कुछ तो जल रहा है। क्या जल रहा है? पटाखे मत फोड़ो, ये पर्यावरण को नुकसान। इधर उधर क्या फटक रहे हो? काम बोला वो किया कि नहीं? किया। बिल्ला कहाँ है? बिल्ला उधर गया। उधर कहाँ, किसके पीछे? चिंगारी गया। अगर बिल्लू चिंगारी गैंग के हत्थे चढ़ गया तो पता नहीं वो क्या हाल करेंगे उसका। हमें कुछ करना होगा। कुछ तो जल रहा है। क्या जल रहा है? ये बाप रे, मेरा रॉकेट चला गया। ये क्या, आपने रॉकेट जला दिया? मैं जल जाता तो मेरा तो रॉकेट बूम हो जाता, लेकिन अभी ये रॉकेट जल गया है। ये रॉकेट उड़ेगा, भागेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। अंदर सब ठीक से रख दिए ना? हाँ पुष्पा जी, रख दिए। अच्छा पुष्पा जी, किसी को बाहर से काहे नहीं बुला ली साफ सफाई के काम के लिए? पुष्पा जी, वैसे हमने कहा था मैडम सर से, मगर वो भी तो ठीक ही कह रही है ना। अब दिवाली का समय है, सबके घर में काम है, पैसा लगता है, खर्चा बहुत होता है। अब तुमको तो पता है हमें हेडक्वार्टर से तो कुछ मिला नहीं है। ऐसे में छोड़ो ना, देखो हम भी तो थाने को अपना घर ही मानते हैं ना, तो फिर हमने कर दी साफ सफाई। करो तुम ये करो साफ। अरे सारा संतू जी, अरे कैसी हो? नहीं, अच्छी क्या, कितनी दुबली पतली होकर लौटी हो ट्रेनिंग से? वहां कुछ खाती पीती नहीं थी क्या तुम? चीते, कैसा है तुम? पता चला मुझे क्या क्या हुआ। छोड़ी ना संतू जी, हम एकदम ठीक है। मत बोल झूठ, नहीं बोल पाता तू। एक बात समझ में नहीं आई पुष्पा जी, इतना सब कुछ हो गया, मैडम सर ने कुछ नहीं किया? नहीं नहीं संतू, ऐसी बात नहीं है, हर समय एक जैसा नहीं होता ना, मैडम सर की कुछ मजबूरियां थी। छोड़िए ना संतू जी, मतलब उस गली क्यों जाना जिसका रास्ता आगे से बंद हो संतू जी, है? वैसे पुष्पा जी ने एकदम सही बोल रही है आपके बारे में, कितना दुबरा गई हैं भाई आप, कैसा एकदम पतली हो गई है, ऐसी हैं आप। अच्छी थी ट्रेनिंग। एक सेकंड। जय हिंद मैडम। संतू थाना पहुंची? हाँ। सुनो, बिल्लू का लोकेशन ट्रेस करो और फटाफट हमें भेजो। क्यों, क्या हुआ? बिल्लू जी ठीक तो है ना? जो कहा जा रहा संतू वो करो फटाफट। ठीक है। क्या हुआ बिल्लू को? पता नहीं, उनकी लोकेशन ट्रेस करने कहा मैडम ने। रंगरेज गली में है बिल्लू जी। हेलो, ये अरे
बिल्ला रंगरेज गली में है। हाँ पर एक सेकेंड, ये रंगरेज गली का नाम सुन के आप सबके चेहरे इतने सफेद क्यों हो गए? अरे रंगरेज गली सिर्फ जगह का नाम नहीं है। वो? अब इसके साथ जो भी करना है शिवानी तय करेगी। ये ले तेरा अक्यूज्ड, हमारा इंसाफ हो गया, अभी तेरे को इसके साथ जो करना है कर। ये वो इंसाफ था जो शायद तेरा कानून भी इसके साथ नहीं कर पाता। संतोष शर्मा। अब जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों हैं? वो बिल्लू जी रंगरेज गली में है इसलिए। व्हाट? हाँ और करिश्मा मैडम भी वहीं हैं। क्या? फोन भी नहीं उठा रही है। घड़ा चौधरी बन रहा था ना, इब बता क्या कह रहा था ये? पटाखे मत फोड़ो। हाँ उससे प्रदूषण बढ़ता है। ए ये क्या? ये मत 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 बचाओ। बिन्नी थैंक यू सारा पाजी। इस उम्र में मुझे वो शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद। अब जला। थैंक यू शेर दाई। मुझे रॉकेट नहीं बनना है, मुझे रॉकेट में नहीं जाना है। अगर ये अंतरिक्ष में चला गया तो इससे पूछताछ कौन करेगा? चल बता क्यों भेजा हसीना मलिक ने तुझे यहाँ पर? क्या प्लान है उसका? देख मैं जानती हूँ, हसीना मलिक चिंगारी गैंग को बर्बाद करना चाहती है। बता देगा तो छोड़ देंगे, और अगर नहीं बताएगा तो रॉकेट छोड़ देंगे। एक बार चोरी करते वक्त हसीना मलिक ने मुझे पकड़ा और मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन मारा नहीं पीटा नहीं, मुझे सुधारा। बिल्लू चोर से बिल्लू चंपत बनाया, इंसान बनाया। तब से हसीना मलिक मेरे लिए मैडम सर बन गई। मैंने भी उनको बोला कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा और उनसे गद्दारी भी नहीं करूंगा। चोरी छोड़ी है, ईमानदारी नहीं। इब बताती थी। बता वरना ये रुकने नहीं वाली। नहीं बताओ मैडम सर के सामने, आगे तारी नहीं करूंगा। आएगी वो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन? करिश्मा सिंह? बताया क्यों नहीं, चुटकुलेबाजी हो रही है। रा एक बार ताई को भी बता दे कि करिश्मा सिंह तुझे बचाने आएगी। अरे बचाएगी तो तब ना जब आप आएगी। क्या तो करिश्मा सिंह है वो, तुम कोई उसको रोक नहीं पाओगी। आएगी जरूर आएगी।
हीरे मोती नहीं मिलते हैं तुम्हारे रंगरेज गली में, जो हमें अंदर आने का शौक है। हमारे बिल्ले को लौटा दो, शांति से चले जाएंगे। हमारे यहाँ फटे पुराने जूतों की दिलखुश मरम्मत होती है। गिनेंगे। क्यों, उसके आगे गिनती नहीं आती क्या? आती है, पर उसके बाद गिनोगी तुम अपने रंगरेज गली में गिरी हुई लाशों की गिनती। हमारे यहाँ पे किसी का उधार नहीं रखते, तुम्हारी एक एक गोली का हिसाब सूद समेत वापस कर देंगे। एक, दो, तीन, पांच, छः, सात, आठ, नौ। है तो करिश्मा सिंह पे सामने से वार करके दिखाओ। वायलेंस नहीं चाहते हम, लेकिन तुम खामोश नहीं रहोगी और हम तुम्हें शोर मचाने नहीं देंगे। इससे अच्छा है बिल्लू को छोड़ दो। आईपीसी सेक्शन 96 में सबको हक होता है कि अपने सेल्फ डिफेंस में अटैकर को मार गिराए। यह हमारा पीछा कर रहा था, हम तो बहुत डर गए थे। डरो मत, हम तुम्हारी तरह गुंडे बदमाश नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। और अगर तुम कानून की बात कर रही हो तो सुनो, आईपीसी सेक्शन 53 के हेड, एक ऑन ड्यूटी वर्दी में पुलिस ऑफिसर पर अटैक करना एक बहुत ही संगीन अपराध है। तुम बिल्लू को नहीं छोड़ोगी, हम बिन्नी को ले जाएंगे। कितनी बार कहा है, अरे कभी तो यहां से सोचा कर। अब क्या करेंगे शिवानी? दिवाली है, दिवाली मनाएंगे।
सांस छोड़ना भी होता है ना तो खुद छूट जाओगे। थैंक यू चित्रे, कुंग फू सीख रहा हूँ। अरे पगला हो गया क्या? मत कर, बहुत फनी लग रहा है तू। हाँ फनी नहीं, सीरियस हूँ मैं, सीरियस हूँ मैं। चिंगारी गैंग ने मुझे एक बार मारा है, बार बार मारने नहीं दूंगा। पंचमी पंचमी चित्र पंचमी। खुश थप्पड़ मारा है, पंच नहीं मारा है, पंच नहीं मारा है। बागा पंच कर यहाँ से जीते, कोई मतलब नहीं। तुम डर रहे हो, डर रहे हो, तुम राम चीता है। जीत का मतलब होता है जो डर से जीता वही कहलाता है। फूंक दिया मुंह पे तब से इसे बता बता के। जो अपने ही डर से बना उल्लू, अपना छोटा सा बिल्लू। अरे शमशान का चंडाल सब, कम से कम हमको तो बता दे क्या करने वाला है तुम लोग। एक सेकंड, क्या चल रहा है यहाँ पे? संतू जी, ये आदम खोर उदबिलाव सब पटाखा छोड़ रहा है, सब डरा रहा है सब हम लोग को। और बिल्लू जी आपको क्या हुआ, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं? बालू हंस लो हंस लो हंस लो, लेकिन मैं बिल्लू दुष्पाय अपने कुंग फू की ताकत से चिंगारी गैंग को फूक के राख कर दूंगा, तब मानोगे मुझे। इसलिए मैं कुंग फू सीख रहा हूँ। चीते तू भी सीख ले। देख यार बिल्ले, तुम्हारे डर को ना बहुत अच्छा ऐसा हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहा है? करिश्मा मैडम, हसीना मैडम लोग टाइम पर पहुंच गया था ना? हाँ। चीते जब तू फंसा था ना तब कोई टाइम पर नहीं पहुंचा था। इनके साथ हंसी मजाक कर लिया वो बात अलग है, लेकिन हम खुद सेफ नहीं है चीते, हमें भी ये सब सीखना चाहिए। इसलिए हमें भी कुंग फू सीखना इंपॉर्टेंट है। ये देखो जैसे मैं सिखाओ वैसे तुम भी करो चीते। मांग हमसे कर्जा चप्पल खरीदने के लिए, तुम ढूंढेंगे भी नहीं चप्पल, कुंग फू सीखेंगे। बिन्नी रुक, क्या हुआ? तो अपने मजे के लिए बम फोड़ रही है ना? अगर शिवानी को पता चला ना तो दिन निकलना दुश्वार कर देगी लेक्चर सुना सुना के। तू अपनी जुबान पे काबू रख, बस यो पटाखा तो ना बताएगा ना जिज्जी को जाके, और मेरी जुबान तो बंद ही रहेगी। बिन्नी क्या हो गया? अरे दूल्हन जल जाएगी। तेरे को डर लगता है ना पटाखों से? मेरे को नहीं लगता है, मैं बचपन में अपने हाथ में रॉकेट लेके फोड़ती थी। उसे बेवकूफी कहते हैं, इसीलिए ना तुझ पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है मुझे। सीधा सीधा बोलना, डर लगता है तारे को? डर? ये चिड़िया मेरे आंगन में तो नहीं बैठती। रहता ही, ये चिड़िया ना है पटाखा है पटाखा। तारे को डर नहीं लगता ना? ले तू फोड़, तू फोड़। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। क्या को? ये पटाखा किसने फोड़ा? जीजी वो ताई को बचपन की याद आ गई थी। काय तुला, मैं सबको यहाँ पर बोलती हूँ कि फटाका नहीं फोड़ने का, और तू सबको प्रोत्साहन देके बिगाड़ रही है। It's okay. मैडम सर, ये इकबाल बदनाम है ना, देखो फिर से बॉम्ब फोड़ रहे हैं। नहीं, ये बॉम्ब फटने की आवाज नहीं है। रे, यो कौन सा बॉम्ब था? नहीं, ये पटाखे की आवाज नहीं थी, है ना ताई? आइए मैडम आइए। हाँ हाँ चलिए चलिए। देखिए सब जल गया। वो तो पहली गाँव की मैं आज घर से बाहर गई थी, वरना तो पता नहीं क्या ही हो जाता।
ठीक है ठीक है ठीक है, रोना नहीं, रो मत। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई कांड हो। देखिए जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एक काम करिए आप इनको लेकर प्लीज बाहर जाइए, संभालिए। हम देखते हैं। जाइए आप बाहर, जाइए जी मैडम, बाहर चलो। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के हेड हैं? जी मैडम सर। ओके, आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है? साजिश है, एक्सीडेंट है, क्या है? अब कुछ कह नहीं सकते मैडम, होने को एक्सीडेंट भी हो सकता है कि भाई फट गया सिलेंडर, हो गया एक्सीडेंट, वरना साजिश भी हो सकती है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कितना टाइम लगेगा? मैडम अभी अभी तो आए हैं, चीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट को कितना टाइम लगेगा? मैडम कहने को तो 2 दिन में भी आ जाए, वरना 4 दिन भी लग सकते हैं। अब बताइए, बिजली भी चली गई थी कल, विभाग वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना मैडम। मैंने जनरेटर के लिए बोला है पर अभी तक आया नहीं। हमें कल तक रिपोर्ट चाहिए मैडम, अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट बता रहे। अब जल्दबाजी में ओनी पोनी चीज यहाँ वहाँ रह गई तो दूसरों का क्या है, सीधा इल्जाम हम फॉरेंसिक वालों पर लगा देंगे। अर्लीस्ट से अर्लीस्ट करिए प्लीज, जल्दी करिए थोड़ा जल्दी। हाँ जल्दी, आप काम करते हैं। घराना ही उठ गया हमारा तो, अब मैं कहाँ रहूंगी, क्या होगा मेरा? देखो हम तुम्हारी परेशानी समझ सकते हैं, मगर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम है ना मैडम सर की टीम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे रहने की व्यवस्था करेंगे हम, है ना करिश्मा जी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखो सिलेंडर फटा है, चाय नहीं मिलेगा, घर जाके चाय पीजिए। बोलती बहुत हो तुम। चल बेटी हमारे साथ चल। अच्छा दिवाली सेल लगा है क्या घर पे? ए करिश्मा जी, करिश्मा जी, करिश्मा जी पीछे ही, पीछे ही। आप रहने दीजिए ना, हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। गर्दन अकड़ जाएगी, ये पुलिस की गर्दन है और ये केस भी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ सब, वरना हमको गुस्सा दिखाना भी आता है। हाँ अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो समझ ही नहीं पाते। पर एक बात आप समझ लीजिए, जहाँ औरत को मदद की जरूरत होती है ना वहाँ चिंगारी गैंग होती है। अच्छा तो आप लोग चिंगारी गैंग हो? वही ना जिसने उस बदमाश लड़के से उस लड़की को बचाया था? बहुत सुना है मैंने आप लोगों के बारे में, आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ। आप तो हम औरतों की मसीहा हैं। मसीहा तो वो है, हम तो बस जरिया है। हमारे साथ था। शुक्रिया आपका। अरे क्या शुक्रिया, सुनो, अरे ये तो अरे क्या हो गया, मंजरी कहाँ गई? मैडम सर चिंगारी आई थी अंदर तक सुलगा के चली गई। क्या हम कहा पुष्पा जी, आप भी चिंगारी गैंग आई थी, मंजरी से मिली, मंजरी राजी खुशी होकर उनके साथ चली गई। ये हमारी शिवानी ताई है और ये मंजरी है। नमस्ते।
अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो कभी अकेली नहीं होगी। तुम्हारा शौहर कहाँ है बेटा? वो तो बाहर गए हैं, सुबह होते ही काम से निकल गए थे। मैंने उन्हें फोन किया था मगर फोन ऑफ आ रहा था, लेकिन मैंने ना उन्हें मैसेज डाल दिया है, वो जैसे ही मैसेज देखेंगे मुझे कॉल करेंगे। कॉल नहीं आएगा, शिकारी शिकार करता है, कॉल एक्सपेक्ट नहीं करता। मतलब आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये उसी ने किया है। कैसे मिजाज रहे तुम्हारे शोहर के बीते दिनों? आप सही कह रही हैं, हम जब से उनके माँ बाप से अलग हुए हैं ना, तब से बड़े अजीब से हो गए थे वो। मुझे तो अपना दुश्मन समझने लगे थे, कई बार तो यहाँ तक कह देते थे कि तुम मर जाती तो अच्छा हो। तो लो, उन्होंने तो मुझे मारने का इंतजाम कर लिया। घर का चिराग ही घर को जलाता है बेटा। जज्बातों वाली भाई ताई, हाथ घूम जा, चलो चलो अंदर चलो। बोलो जज्बातों वाली भाई, क्या प्रॉब्लम है? चिंगारी की जरूरत तुम्हें भी पड़ गई क्या? वैसे हम सबकी मदद करते हैं। आसमान में पत्थर उछालने का कोई फायदा नहीं है, सीधा मुंह पर ही आके गिरेंगे। मंजरी को ले जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अरे यह सवाल है मंजरी का और तुम हिम्मत की बात कर रही हो। एक्चुअली वो क्या है ना, हिम्मत हमने कभी दिखाई नहीं, क्योंकि वो खुद चलकर आई है हमारे साथ। वो क्या है ना कि पुलिस के साथ टेस्ट मैच खेलो तो मैच ड्रॉ होती है, लेकिन चिंगारी गैंग T20 खेलती है तो मैच कभी ड्रॉ नहीं होता। हमें मंजरी से बात करनी है। नहीं होगी, कितनी भी कोशिश कर लो। सदमे में है वो, उसका घर जला है, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देनी हो तो एक बार तो हम तुम्हें इस गली में आने ही देंगे। दिवाली का मौका है भाई, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। हमारे ड्रेस कोड का ध्यान रखना, इस गली में वर्दी में कोई भी अलाउड नहीं है। मैडम सर ये क्या? हम रंगरेज गली जा रहे हैं। नहीं मैडम सर, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। डोंट वरी, हम ठीक हैं। मैडम सर हर चीज तो आपको नहीं मिल सकता है ना, आपने हमारा भौकाल हमसे मांगा, हमने आपको दे दिया, अब आप हर चीज मांगेंगी वो नहीं दे पाएंगे। मैडम सर ले जाइए ना करिश्मा जी को आपके साथ, अकेली मत जाइए। ठीक है। ताई ने बुलाया है। हट जा। ताई को पटाखे जलाना पसंद नहीं है। अपना ही घर में आप इतना डरती हैं, कमाल है। कुछ जज्बात अंदर के लिए रख दे। चलिए तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? ना ही गुफ्तगू करने आए हैं और ना ही इंटरव्यू देने। मंजरी को बुलाइए। चाय पी लो, कम शक्कर डलवाइए, जज्बात वालों को बहुत जल्दी शुगर होती है ना। नोश फरमाइए। हम नोश फरमाए, आप नोच खाओ।
ऐसे नहीं चलेगा। पहले आप। दिलकश है जमाने वाले, चाय के प्यालों में भी तूफान उठाते हैं। अब ये सारे ड्रामे हो गए हो तो प्लीज मंजरी को बुलाइए। समझ में नहीं आ रहा है वो दोनों कैसी होंगी वहां। माँ डोंट फियर, आई एम हियर। उन दोनों को कुछ हुआ तो कुंफु से सबकी वाट लगा दूंगा, सबकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। कैसे? ऐसे ईंट से ईंट बजा दूंगा। बिल्ले तुम जाओगे कि हम तुम्हें भेजे? कहाँ? ऊपर। शिवजी दोनों को ध्यान रखना। प्लीज बैठो, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। हम मंजरी से अकेले में बात करना चाहते हैं, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। हमारे घर में आई और हमें ही बता रही हो बाहर जाने के लिए? सही कहा था आपने करिश्मा सिंह, ये तो अपने ही घर में इतना डरते हैं। मंजरी तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ताई, आप मेरे साथ यहीं रहेंगी तो अच्छा रहेगा। ये फैमिली है मेरी और इनके बिना मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। ओके, ये बताओ कि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थी? घर में आटा खत्म हो गया था तो मैं वो लेने बाहर गई थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर से निकलने से पहले तुम गलती से गैस ऑन छोड़ गई हो बिना जलाए? अरे भाई, जिसका घर जल के राख हो गया तुम उसी को कटघरे में खड़ा कर रही हो? उसके पति ने उसको मारने की कोशिश की है। खोजबीन का काम हम कर लेंगे, पहले फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए। मैं आपकी रिपोर्ट का क्या करूंगी, और वैसे भी आप लोगों को तो केस को बस जलेबी की तरह घुमाना आता है। मुझे पता है कि ये सारा कांड ना मेरे हस्बैंड ने ही किया है। इंसाफ तो हम तुझे दिला कर ही रहेंगे मंजरी, वो भी बिना किसी रिपोर्ट के। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। ये क्या बकवास बातें भरी है उसके दिमाग में? पुलिस वाले मौजूद हैं, यहाँ कानून है, जंगल राज नहीं हुआ है। हसीना मलिक, हम जो करना चाहते हैं उसे करने से ना ही तुम हमें रोक सकती हो, ना ही तुम्हारा कानून और ना ही तुम्हारी वर्दी। बाकी तेरे को खून जलाना है तो जला, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तमीज का धागा पकड़ के बात कीजिए आप। रे तमीज से कमीज उतारू के? ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं, इस केस से दूर रहो वरना सबको सलाखों के पीछे डाल देंगे। गर किया नशे ने हमें कहे, अच्छा यूं ही सही, ये जुनून ने इश्क के अंदाज छूट जाएंगे क्या? अरे भैया जरा दुपट्टा अच्छे से लगाओ ताकि ग्राहक देखे तो उसे अच्छा लगे, मजा आए और खरीदे। बहुत टूटा फूटा हूँ इसलिए। आइए आइए मैडम, क्या लेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? समोसे। ये पूछेंगे ना ये लेंगे क्या, लेकिन हम कुछ नहीं चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये अजीत तुम्हारा परम मित्र है जी,
कहाँ मिलेगा? ये क्या कर रहे हैं? जो पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए ना। सोच रहा है। जब मुंह में दही जम जाता है ना तो उसका लस्सी फेंटना हमको बहुत अच्छे से आता है, क्या समझे? नो मैडम, आपको मना है लस्सी फेंटना, मतलब मारपीट करना। I am Billu the spy. I am not dull. I will handle. माँ की आँख, मेरी आँख फूट गई थी। हाँ तो लगना ही था ना, फूट गई। कहाँ भैया कहाँ? हाँ इतनी कहाँ जल्दी है आपको? ओलंपिक्स में थोड़ा टाइम है अभी। मैडम मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। अच्छा तुमको कुछ नहीं मालूम है? तुम्हारे दोस्त के घर सिलेंडर फट गया, तुम्हारे दोस्त की बीवी मर सकती थी, तुमको ये सब नहीं मालूम है? तुम्हारे दोस्त में तो हमको शक था, पर तुम काहे दुबक रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैडम प्लीज सुनिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। हाँ तो जिसने किया उसका पता बताओ, फिर तुमको भागना भी तो है ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल भी तो लाना है इंडिया के लिए, बताओ। हम उससे नहीं बचा रहे हैं मैडम, हम तो अपने आप को बचा रहे हैं मैडम, हम अपनी फिक्र कर रहे हैं। विस्तार से समझाओ हमको। मैडम आपके आने के पहले कुछ औरतें आई थी। रेह चौधरी, थारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, समझ आ रहा है या नहीं? यहाँ पर कोई महिला पुलिस वाली आएगी ना तो उसके सामने अपनी जबान मत खोलना, समझ आया या नहीं? जी। नहीं तो थारी जबान बोलने लायक ना छोड़ूंगी। चलो। उसकी मैया की सासू मैया, चिंगारी गैंग हमसे पहले आ गई। करिश्मा मैडम, एक क्वेश्चन मेरे मन में पॉपअप हो रहा है। का, जल्दी बोलो जल्दी। मतलब ये चिंगारी गैंग मंजरी के पति तक भी हमसे पहले पहुंच गई तो मैं टोपा हो क्या? ऐसा नहीं होने देंगे। पुष्पा जी बात समझिए, देखिए सुनिए, आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मैडम सर आपको पसंद कर दिया, आप भी मैडम सर चापलूसी वगैरह करती तारीफ करती रहती हैं, तो हमको लगता है कि आपको जाना चाहिए। अरे शेर भी बकरे को बहुत पसंद करता है ना संतो। संतो क्या? छोड़ो, देखो तुम भी बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ? तुम बात करो ना, तुम्हें नहीं डांटेंगी मैडम से। अरे मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, हो सकता है ना बहुत सारी चीजें बदल गई हो। एक काम करते हैं, इनी मिनी माइनी मो करते हैं और जो हार गया वो मैडम से बात करेगा। इनी मिनी माइनी मो? हाँ। हमारे बचपन में टीप टाप का बड़ा सांप खेलते थे संतो जी। हमारे बचपन में कित कित खेलते थे। कितने खेल रही है? नहीं नहीं मैडम सर, जीता कुछ कहना चाहते हैं, जीते बोल। बोलना। आप लोगों के पास बहुत फुर्सत है, हमें बहुत काम है, मुद्दे पर आइए। मैडम सर हम लोग सब लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि कहिए। थाना पर बहुत दिन से ऐसे तनावपूर्ण स्थिति, तनावपूर्ण माहौल चल रहा है और दिवाली भी आ रहा है, तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम लोग थाना को साफ सफाई करते, सजाते वगैरह, दिवाली वगैरह हम मनाते तो अच्छा लगता ना, मतलब दिमाग थोड़ा सा हट जाता, हल्का हो जाता सब कुछ। मनाइए। थैंक यू मैडम सर। आप ही मनाएंगे हमारे साथ? हाँ आ जाएंगे। हाँ। अब वो फॉरेंसिक वाले से कोई अपडेट रिप्लाई कुछ आया? नहीं नहीं मैडम सर। मैडम सर नमस्ते। आई तो क्या रिपोर्ट है गैस सिलेंडर वाले केस की? हमने एविडेंस की जांच की। पहले आपको फोन पर ही बताने वाले थे, फिर सोचा इसी रास्ते से घर जाते हैं तो आपको मिलकर ही बता दे। तो अब आ गए ना, अब बताइए प्लीज बताइए कि ये सब में मंजरे के पति का हाथ है या फिर ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है। देखिए मैडम सर, अब ये तो मंजरी का पति नहीं है, ये तो बेचारा गैस पाइप है, सारी गड़बड़ इसी ने की है, इसी में से गैस लीक हो रहा था। अब गैस का क्या है, ज्वलनशील है, कहीं से भी चिंगारी निकली तो फट जाएगा, वही हुआ। इसी में से गैस लीक हो रहा था अब गैस का क्या है ज्वलनशील है कहीं से भी चिंगारी निकली तो फट जाएगा। हस्बैंड ने पाइप काट दिया। अब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एक मिनट चाचा, आप एक जगह चिपके रहिए ना, चित भी मेरा, पट भी मेरा और अंटा मेरा बाबूजी का, ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई पाइप छेड़ा ही नहीं तो लीकेज कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? गैस पाइप की भी एक्सपायरी होती है, उसके बाद उसमें दरारें पड़ने लग जाती है, ये देखिए।
अब जब दरारें पड़ जाती है तो लीकेज होने लगता है और अगर ऐसा हुआ यदि तो एक्सीडेंट ही कहलाएगा ना मैडम सर। पूरी रिपोर्ट कब तक मिल सकती है? रात दिन एक कर दिया है, रात तक आ जाएगी मैडम सर। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैडम सर। लोरी जैसा था ही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सब प्लीज जाइए अपना काम करें। जी जी जी। संतोष शर्मा आप नहीं, आप एक वीडियो बनाइए। किसका? हमारा। इतना बड़ा रॉकेट? अरे दिवाली में तो पूरी दुनिया रॉकेट फोड़ेगी, लेकिन जब चिंगारी इसके पति के साथ इंसाफ करेगी ना, ये तब के लिए है। दुनिया को भी तो पता चले कि धमाका चिंगारी ने किया था। लेकिन आप करने क्या वाली हैं मेरे पति के साथ? नमक डालो स्वाद अनुसार और इंसाफ करो औकात अनुसार। तुम्हारे पति के जुर्म की औकात के अनुसार ही उसका इंसाफ होगा। इतना बड़ा रॉकेट, यो तो मैं ही जलाऊंगी। हाँ हाँ, तू ही जलाएगी, सब करेगी। पहले ये बता कि इसके पति की क्या खबर है? इसके पति की तो कोई खबर ना है, पर यो खबर देखी है आप लोगों ने? यो देखो। नमस्ते लखनऊ वासियों, आज हम आपको बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहते हैं, या यूं कहें कि महिला पुलिस थाना आपको वार्निंग देना चाहता है एक ऐसे बॉम्ब के बारे में जो लगभग आप में से हर किसी के घर में मौजूद है और कभी भी कहीं भी बिना किसी वार्निंग के फट सकता है। और वो बॉम्ब है आप सभी के किचन में मौजूद गैस सिलेंडर। हर गैस सिलेंडर के साथ एक पाइप अटैच्ड होता है, और अगर ये पाइप अपनी एक्सपायरेशन डेट क्रॉस कर जाए तो ये आपका दुश्मन बन सकता है। जिस तरीके से गाड़ी के पहिए हर 5 साल में बदलने चाहिए क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं, उनमें से हवा लीक होने लगती है, ठीक उसी तरीके से इस गैस पाइप की भी एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो डेट क्रॉस हो जाए तो इसमें से गैस लीक होने लगती है और सिलेंडर कभी भी फट सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पाइप पर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो चेक कीजिए। अगर गैस पाइप की डेट एक्सपायर हो चुकी है तो प्लीज तुरंत उस पाइप को बदल लीजिए, इसी में आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। इस दिवाली धमाके को घर से बाहर रखिए। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रहताई यो तो तेरे से भी बूढ़ा हो गया है। 6 महीने हो गए, इसे आज ही बदल दो भला हो इस हसीना मलिक का, वरना कब जमीन के नीचे चले जाते पता भी नहीं चलता। लड़ाई झगड़ा और उसूल एक तरफ, बात तो है जज्बात वाली बाई में, लेकिन सारे मसले जज्बात से नहीं सुलझाए जा सकते।